टी स्टॉल का आयोजन किया है। उसमें हमने युवा मोर्चा ने भी पहले किया था नमो टी स्टॉल का आयोजन, जिसमें फ्री चाय सभी को पिलाई जाती है, इसमें ताकि आपसी भाईचारा बढ़े, हम एक दूसरे से मिले प्यार से। कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है? कोई स्पेशल डे नहीं सेलिब्रेट किया जा रहा, बस ऐसे ही नमो टी स्टॉल का मोदी जी के नाम से, ताकि हम सभी को अपने जी चुनावों की वजह से तो चाय नहीं पिलाई जा रही। पहले भी युवा मोर्चा पहले भी कर चुका है चुनाव, तो अभी अभी चुनाव अभी मई में है, वैसे चुनाव के लिए इसमें चाय का। जिलाध्यक्ष हैं आप और साथ ही साथ चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा, तो क्या कहना चाहेंगी अपनी महिलाओं से? महिलाओं से ये कहेंगे सोच समझ के अपने प्रधानमंत्री का, देखो लोकसभा के चुनाव हैं तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे डायरेक्ट चुनाव ये उसी के होंगे, हमारी चार पार्लियामेंट्री चार संसदीय क्षेत्र हैं हिमाचल, तो हम यही कहेंगे कि भारी मत से इस बार तीसरी बार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः जिताएं, चारों सीटें हम यहाँ से जीत के दोबारा से अपने देश के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को ही बनाएंगे, और सभी बहनें इस कार्य में जुटी हुई हैं तत्पर, और सभी को पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किस तरह का कार्य कर रहे हैं, इसे भी कार्य बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पुनः हम अगर अपने देश को विश्व पटल पर ले जाना चाहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, और 400 बार इस बार का नारा, एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, 400 से ऊपर हम कितने इस बार लोकसभा में लाके दिखाएंगे सीटें जीत कर। आज हम चाय एक हमने छोटा सा स्टॉल लगाया है नमो टी स्टॉल, और इसमें हम चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाय से चाय वाले ही बताए जाते हैं, तो हमें लगता है कि इससे अच्छा भाईचारा हमारा कोई भी नहीं हो सकता है, और हम लोगों को यहाँ बुला रहे हैं आ रहे हैं लोग, बड़े अच्छे सद्भावना बढ़ रही है हमारी, इससे लोग आके चाय पी रहे हैं जी जी बहुत बहुत, और सब मोदी जी की जय बोल रहे हैं।